शुरू हो चुका है बिग बॉस का खेल और बिग बॉस ने अपना खेला चालू कर दिया है। चलिए बता देते हैं आपको कि कल जब हमने एपिसोड देखा तो वहाँ बिग बॉस ने चाहत से ये कहा कि चाहत आपकी जो चाहत है उस चाहत को हम पूरा करना चाहते हैं। दरअसल बिग बॉस ने ये कहा कि हम आपको जेल में डालना चाहते हैं चाहत, लेकिन अगर आपकी चाहत है कि आप जेल में ना जाएं तो आप इसके लिए कर ये सकती हैं कि घर में जो कंटेस्टेंट आएंगे उनमें से दो लोगों को आपको कन्विंस करना है और अपनी चाहत को ना पूरा करने के लिए उनकी चाहत को कहना है कि भैया आप जेल चले जाओ, मैं नहीं जाना चाहती। तो ऐसे में आप चाहत के पास ऑप्शन थे दो। चाहत ने सोचा भी किस किस से वो बात करें। पहले उन्होंने अविनाश और सहजादा से बात भी करी, हालांकि अविनाश और सहजादा दोनों का यही था कि भाई हम क्यों जाए, इस लड़की को पनिशमेंट मिली है, ये खुद जाए या फिर किसी और को ये फंसाए। तो इसमें जो अपने आए हैं तजिंदर बग्गा जी, वो बड़ी आसानी से मान गए कि ठीक है जी, मैं तो जेल जा सकता हूँ क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जेल चला जाता हूँ, वो आसानी से मान गए। वहीं हेमा जी जो वायरल भाभी है, वो किस तरीके से मानी है ये तो हम जब एपिसोड देखेंगे तभी क्लियर होगा, लेकिन आपको खबर हम ये देना चाहते हैं कि जेल में दो लोग पहुंच चुके हैं और वो हैं तजिंदर बग्गा और हेमा जी, यानी कि ये दो लोग पहुंचे हैं पहले ही दिन पहली बार जेल के अंदर बिग बॉस 18 में। आप बताइएगा क्या आपको अच्छा लग रहा है ये जेल वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब जेल होएगी, लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी और लोग उसके लिए फाइट करेंगे कि भाई हम तो नहीं जा रहे जेल, हम तो नहीं जा रहे जेल। बाकी इस बार जो कंटेस्टेंट है मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग से लग रहे हैं और देखना बस ये है कि क्या इनकी रियल पर्सनैलिटी भी वैसी ही प्रॉमिसिंग है जैसे कि ये टेलीविज़न पर नज़र आते हैं। बाकी आप लिखिएगा आपकी क्या है राय, ये जेल में जाना डिज़र्व करते थे दोनों या नहीं।